पाकिस्तान दुनिया के नक्शे में 1947 को आता है और 1947 से लेकर अब तक तकरीबन 75 साल पाकिस्तान के इंडिपेंडेंस को हो चुके हैं। अगर आप इन 75 सालों की डिवीजन करके देखें तो शायद आपको पाकिस्तान के मसाइल का हल बड़ी आसानी से मिल जाए। पाकिस्तान के अंदर 75 सालों में सिविलियन गवर्नमेंट सिर्फ 24 साल रही है, डायरेक्ट मिलिट्री कूज 33 साल रहे हैं और इनडायरेक्ट मिलिट्री रूल 17 साल रहा है। और इन 75 सालों में मिलिट्री का इनडायरेक्ट और डायरेक्ट रूल तकरीबन 50 साल के अरसे तक रहा है। पाकिस्तान का पहला मिलिट्री कूज जनरल यूब खान ने किया, दूसरा याहिया खान ने किया, तीसरा जनरल जियाउल हक ने किया और चौथा परवेज मुशरफ ने किया। हर बार सिविलियन गवर्नमेंट को ही बाहर निकाला गया, इन्हीं को सजाएं दी गई, इन्हीं को एग्जाइल किया गया, इनके ऊपर करप्शन के चार्ज लगाए गए और इन्हीं को नाहेल किया गया। तो क्या 75 में से 50 साल रूल करने वाला सो कॉल्ड नॉन पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन पाकिस्तान में किसी तरह का नुकसान का जिम्मेदार नहीं? क्या ये हर तरह की करप्शन से पाक होते हैं? क्या इनको कोई पूछने वाला नहीं है? क्या वाकई हम ब्लडी सिविलियंस हैं? आखिर कब तक हम ब्लडी सिविलियंस रहेंगे?